J&K साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा J&K स्पोर्ट्स काउंसिल J&K ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से वीरवार को जिला के विजयपुर क्षेत्र के कमाला मोड़ में जिला स्तरीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की देखरेख में आयोजित प्रतियोगिता के मौके पर पंचायत कोब्रामणा के सरपंच रामपाल शर्मा मुख्य अतिथि, पूर्व सरपंच भगवान दास दुबे वरिष्ठ अतिथि, गणेश चौधरी कैप्टन, गिरधारी लाल, मोनिका भागल आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया व अपना दमखम दिखाया। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में निखिल वर्मा ने पहला, गौरव पांडे ने दूसरा और अनीश शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। सब जूनियर आयु वर्ग में शिवम सलाथिया ने पहला, हरिओम शर्मा ने दूसरा और गौरव सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं यूनियर वर्ग में अभय चौधरी पहले, अंश दूसरे व राहुल तीसरे स्थान पर रहे। लड़कियों के वर्ग में पल्लवी शर्मा ने पहला, मानवी जानवी शर्मा ने दूसरा और काजल शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का आयोजन CAJK के सचिव SS गिल, CAJK के एसोसिएट ओम प्रकाश, डॉक्टर विकेश कुमार, राकेश कुमार, गणेश चौधरी की देखरेख में किया गया। आयोजकों ने प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग के लिए जिला प्रशासन, पुलिस व मीडिया का धन्यवाद किया। मुख्य अतिथि व आयोजकों ने पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि सरपंच रामपाल शर्मा ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया व युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहकर शिक्षा के साथ खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार जो प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ रहे हैं अब वो प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैं अपना साइकिल एसोसिएशन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सांबा में जो आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, ये साइकिल जो है अपना कंपटीशन जो है आज यहाँ पे हुआ है, मैं दिल की गहराइयों से जो हमारी साइकिल एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर की यूटी की, उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे ग्रामीण एरिया को चुना और ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करवाया, ताकि जो ग्रामीण एरिया के हमारे बच्चे हैं वो भी प्रमोट हो सकें और जो है वो इवेंट खेल कूद में आगे बढ़ें। और जिस तरह से अभी आपने हाल ही में देखा था कि हमें एक गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक में, उसी प्रकार से साइकिलिंग में भी हमारे बच्चे जो है वो ओलंपिक में जाएं, वहां से मेडल लाएं और अपने गुरुओं का नाम रोशन करें जिन्होंने ये समाज सेवा का जिम्मा ले रखा है कि बच्चों को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उनको एक अच्छी दिशा दिखा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से एक बार पुनः जो साइकिल एसोसिएशन है हमारी स्टेट की J&K यूटी की, उनको धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली हमारे गिल साहब हैं कि ऐसे इवेंट जो है फ्यूचर में भी होने चाहिए और जो हमारे ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं है और उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका मौका मिले और अपने वो हुनर को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर साबित कर सकें। ज़्यादा ना कहते हुए कि जम्मू में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं J&K में, उसमें से हमने कोशिश की है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर हों। सांबा डिस्ट्रिक्ट उनमें भी एक आता है, तो हम कम से कम 12 से 14 डिस्ट्रिक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट भी हमने पिछले 2-3 साल से शुरू किया है, तो इस बार हाँ यूटी बनने के बाद अब इनका ये सेकंड डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है। हमने आज यहाँ पे 4 कैटेगरी करवाई, उसी में बच्चे अवेलेबल हैं, तो बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बड़े अच्छे बच्चे हैं। विजयपुर के भी बच्चे अच्छे हैं, ये जो जगह है आपकी ये रोड साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगला स्टेप ये होगा कि ये जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आए हैं, थर्ड कोशिश करेंगे कि ये यूटी चैम्पियनशिप करवाएंगे हम नवंबर में, उसमें ये पार्टिसिपेशन करें जिनकी पोजीशनें आई हुई हैं। तब तक ये अपना मन बना लें कि हमने उसमें पार्टिसिपेट करना है और
अच्छी पोजीशन लेनी है, अपने साइकिलिंग को जारी रखना है, तो उसके बाद उनकी सिलेक्शन होगी नेशनल के लिए। विजयपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट वालों का शुक्रिया।